ठीक है, बताइए कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, सीएल कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास काउंटर आई नहीं दे रखा, ना ही कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा दे रखे, इसका मतलब सिंपल सा तो ये होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर तो उसमें होगा ही नहीं। ध्यान रखना, काउंटर आई नहीं दे रखा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर अंदर नहीं दिख रहे हैं आपको कहीं पे भी, या कोई और कॉम्प्लेक्स साथ में नहीं दिख रहा है, एम्बाइडेंटेड लिगेंड भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं होंगे, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि इसने टोटल पूछा तो स्ट्रक्चरल भी देखने पड़ेंगे। सिर्फ स्टीरियो की बात करता तो फिर सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दिखते, बट इसने टोटल पूछे तो आपको स्ट्रक्चरल भी देखने पड़ेंगे, बट इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताइए, आयोनाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर आयोनाइजेशन के लिए तो बाहर कोई आयन है नहीं, ठीक है। अच्छा, लिंकेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम्बाइडेंटेड लिगेंड तो प्रेजेंट है नहीं, हाइड्रेट क्यों नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में दूसरा कॉम्प्लेक्स को दे भी रखा। अब संभावना है किसकी बचती है, सिर्फ संभावना बचती है सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स की, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या इसमें स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, चेक वेदर स्टीरियो आइसोमर्स आर प्रेजेंट नॉट, स्टीरियो आइसोमर्स देखेंगे, ठीक है। अब बताइए, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस अभी भी देखा मैंने, और इससे पहले भी बता दिया मैंने बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी, सिस प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, ये सिस प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये सिस और ट्रांस में तो एग्जिस्ट करेगा, स्पीटी NH3 एंड दिस इज Cl और Cl, बताइए कौन सा फॉर्म आ गया, सिस फॉर्म, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइए, पीटी, ये देख लीजिए Cl एंड NH3, बताइए कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक आ गया सिस फॉर्म और दूसरा फॉर्म आ गया ट्रांसफॉर्म। अब ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल तो आ गया तो सही है जी, अब कौन सा बचा, ऑप्टिकल बच गया, क्या बच गया, अब मुझे बताइए ऑप्टिकल आइसोमर कब नहीं होगा, ये मैंने कल भी बताया, जब POS प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, ऑप्टिकल आइसोमर कॉम्प्लेक्स में तब नहीं होगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही होता है। अब देखिए कैसे स्क्वायर प्लेनर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मैं क्या कर दूं, अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करता हूं, मैं मान लो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास कर दूं इस वाले कॉम्प्लेक्स में, सिस वाले में अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, इस तरीके से, एक सेकंड, यहां से पास करता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप एक से ज्यादा प्लेन्स भी पास कर सकते हो, जहां से पॉसिबली आपको लगा कि प्लेन पास करने पे ये बाइसेक्ट कर जाएगा, बताइए जब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करूंगा, ये सीएल इस सीएल को रिफ्लेक्ट करेगा, ये NH3 इस NH3 को रिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये ऑप्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका एनेंशियोमेरिक फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगले वाले में आ जाइए, अगर मैं अगले वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कहीं से भी पास कर सकते हो, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करूं, किसको काटते हुए चलूं, मैं Cl को, Pt को और दूसरे Cl को काटते हुए चलूं, तो मेरे को बताइए जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, ये NH3 से NH3 को रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स सिर्फ कौन से होंगे, GI और OI, और GI में भी कितने होंगे, सिर्फ सिस और ट्रांस, तो बताइए टोटल आइसोमर सिर्फ कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे सिर्फ सिस और, तो ध्यान रखना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं मिलेगा, इसमें OI नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं, क्लियर, और करें बस।